आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहीं आप भी कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं नींबू पानी बनाते समय। जी हाँ दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि लोग नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं वजन कम करने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोजाना सुबह सुबह नींबू पानी पीते हैं, वो भी खाली पेट, लेकिन फिर भी उन्हें उसका कुछ फायदा नहीं मिलता है। वो उसके बाद डाइटिंग भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर का वजन जितना है उसी पे अटका रहता है, ना कम होता है, ज्यादा हो जाता है लेकिन कम नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से नींबू पानी आपके शरीर को फायदा नहीं पहुंचा पाता। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखें तो ये चीजें आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। जैसे कि जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींबू को काट कर उसका रस निकालते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि नींबू पानी में चीनी मिलाकर पी लेते हैं, जबकि चीनी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। इससे फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हैं नींबू पानी में तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। ये हमारे शरीर में जाकर सोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और आपका वजन कम नहीं हो पाता। तो सबसे अच्छा तरीका है नींबू पानी बनाने का कि अगर आप सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना चाहते हैं तो आप उसमें अपने स्वाद के लिए शहद मिला सकते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपको ऑर्गेनिक शहद मिल जाए तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक शहद नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप दिन में सिर्फ एक बार एक चम्मच शहद का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात वो ये कि नींबू के छिलके में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज्यादातर लोग जब नींबू को काटते हैं तो वो अंदर से इसका रस निकालते हैं और नींबू के छिलके को बाहर फेंक देते हैं, जबकि अगर आप छिलके का उपयोग करें तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि नींबू के इस छिलके को कद्दूकस कर लेना है, और उसके अलावा जब ये सफ़ेद पार्ट है उसको आपको उसमें नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि सफ़ेद पार्ट कड़वा होता है। सिर्फ जितना भी येल्लो पार्ट है उसे आप कद्दूकस करके एक कटोरी में निकाल के रख लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आप पानी गर्म करें तो उसे गैस पर से उतारने के बाद थोड़ी देर तक ठंडा होने दें। जब वो हल्का पीने लायक हो जाए तब आपको उसमें ये कद्दूकस किया हुआ नींबू का छिलका डालना है। 2 मिनट के लिए आप उस पानी को ढक के रख दीजिए। नींबू के छिलके के सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप नींबू को आधा काट लीजिए और आधे नींबू का रस आपको उस 1 गिलास पानी में डालना है। इसमें अब आप 1 चम्मच शहद डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू के छिलके में विटामिन्स होते हैं, साथ ही साथ सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे शरीर की चर्बी को काटने में मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है वो है चीनी। चीनी इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि नींबू पानी में अगर आप चीनी डालते हैं तो ये सिर्फ स्वाद को बढ़ाती है और साथ ही साथ वजन को भी बढ़ा देती है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो चीनी को सबसे पहले बाय बोल दीजिए और नींबू पानी बनाइए शहद डालकर। इसका सेवन करके आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिनों में ही फर्क दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए नींबू पानी बनाते वक्त। तो इस तरह से नींबू पानी का सेवन करें और मुझे बताएं कि आपको इसका फायदा मिल रहा है या नहीं। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोज बनाती रहूंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी सेहत से जुड़े वीडियोस मिलते रहेंगे।